नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। बिहार में चुनाव के दिन नजदीक आ गए हैं, ऐसे में सियासी बयानबाजी भी शुरू है। बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने उन्हें तलब किया है, रांची बुलवाया है और पिता से मिलने के लिए पहुंच गए हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, उससे पूर्व तेज प्रताप यादव का कोरोना टेस्ट किया गया है। तस्वीरें टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव का कोरोना टेस्ट किया गया है और इनकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और मुलाकात होगी तो बिहार की बात जरूर होगी। जब पटना से तेज प्रताप यादव रांची के लिए निकले, तब तेज प्रताप ने कहा था मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कि पिताजी की तबीयत जानने जा रहा हूं, उनका हाल जानने जा रहा हूं, उनसे मिलने जा रहा हूं। लेकिन देखिए, खबरें यह है कि लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को तलब किया है। आरजेडी चीफ रिम्स के डायरेक्टर के बंगले में है और वहां पर तेज प्रताप यादव से मुलाकात करेंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव को समझाएंगे भी कि बिहार में जिस तरीके से चुनाव है और चुनाव के समय तेज प्रताप जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए नुकसान हो सकता है, नुकसानदेह हो सकता है और एक बड़ी क्षति भी हो सकती है। देखिए, आरजेडी चीफ ने स्पष्ट कर दिया है कि रघुवंश प्रसाद सिंह कहीं जाएंगे नहीं। रघुवंश प्रसाद सिंह से बातें हो गई है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की और रामा सिंह को वर्तमान में एंट्री नहीं मिलने जा रहा है आरजेडी में। और इस बीच आरजेडी चीफ ने तेज प्रताप यादव को तलब किया है, रांची पहुंच गए हैं तेज प्रताप यादव और पिता से मुलाकात करेंगे। साथ ही वे बात भी करेंगे और लालू प्रसाद यादव उनसे बात करेंगे, उनकी क्लास लगाएंगे कि किस तरीके से तेज प्रताप यादव बयान दे रहे हैं, उनके बयान देने का अर्थ क्या है। देखिए, तेज प्रताप यादव की हम बात कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव लगातार अपने बयानों को लेकर ही सुर्खियों में रहते हैं, चाहे बात भाई वीरेंद्र की हो या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह की। तेज प्रताप ने सबकी औकात खोल दी है। कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव जो बयान देते हैं उससे ऐसा लगता है कि वे किसके बारे में क्या कुछ बोल रहे हैं, उन्हें उस समय समझ में नहीं आता है। हालांकि बाद में रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर जब बयान दिया, उसके बाद में तेज प्रताप ने स्पष्ट कहा था कि चचा बीमार हैं और वे पार्टी में ही रहेंगे। कहीं ना कहीं इससे समझा जा सकता है कि तेज प्रताप के ऊपर दबाव बढ़ा है इस बयान के बाद से। और तेज प्रताप यादव पहुंच गए हैं रांची, जहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया है। पिता लालू प्रसाद यादव से मिलेंगे और लालू प्रसाद यादव उन्हें समझाएंगे बिहार के बारे में और साथ ही सियासत से जुड़ी हुई जो बयानबाजी कर रहे हैं उस पर उनकी क्लास भी लगने वाली है। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, लगातार यहां खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद।